आज पूरे एक हफ्ते बाद प्रिया ने अभय के मैसेज का रिप्लाई करने की सोची थी और उसने साफ साफ लफ्जों में रिप्लाई भी कर दिया था कि तुम हो कौन और मुझे ऐसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। जिसके बाद 2 मिनट तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और प्रिया को लगा कि ये लड़का भी कोई ऐरा गहरा ही निकला जो रिप्लाई मिलते ही डर के गायब हो गया। तो उसने फोन साइड टेबल पर रखा और एक चैन की सांस भरी ही थी कि तभी अभय का मैसेज आ गया। प्रिया ने झट से फोन उठा लिया ये सोच के कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। ओहो, तो फाइनली मिस प्रिया ने मेरे 1 करोड़ मैसेज का जवाब देने की सोची तो सही, लेकिन ये क्या, तुम कौन हो, तुमसे बात स्टार्ट कर रही हो? कोई हाय हेलो तो बोल दो पहले, फिर पूछ लेना जो पूछना है। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? वैसे हाय, आई एम अभय। हाय, अब ठीक है? अब मुझे बताओगे कि तुम हो कौन आखिर और बार बार मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रहे हो? मेरे कॉलेज में हो या पहले मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे? जानते कैसे हो तुम मुझे और तुम्हें मेरी फेसबुक आईडी कैसे मिली? और अगर जानते भी हो तो कहाँ से? मैंने तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। अभय खुराना नाम के किसी लड़के को तो मैं जानती तक नहीं। पहली बार तुमने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया है, ये देखकर मुझे अलग ही लेवल की खुशी हो रही है कसम से। लेकिन तुम्हारा हाय कितना ही फीका लग रहा है। भाई, मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुम्हों की एक अच्छा सा मैसेज नहीं भेज पा रही हो? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता हूँ ना। द लीस्ट यू कैन डू, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। ये लड़का ऐसे बाज नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं है इसे ऐसे मैसेज करके कुछ भी पूछने का। ये सब ना सिर्फ इसके मुझसे बात आगे बढ़ाने के तरीके हैं, असल में तो ये मुझे सही सही सच बताने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा है। अब छोड़ो, मैं दोबारा इसको इग्नोर ही कर देती हूँ, क्या पता 2-3 मैसेजेस के बाद अपने आप शांत हो जाए। अरे, तुमने तो फिर से मुझे रिप्लाई करना छोड़ दिया, भला ऐसा भी कोई करता है क्या? इतनी मुश्किल से तो हमारी बातें स्टार्ट हुई थी और अब मैं दोबारा सीन होकर ही बैठा हूँ, नॉट फेयर। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है और जब से मैंने तुम्हारी वो ऑनलाइन लिखी हुई रोमांटिक सीरीज पढ़ना शुरू किया है ना, मेरा तुमसे पर्सनली बात करने का और भी मन करने लग गया है। इससे ज्यादा मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊँ, ना ही मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाऊँ और ना ही तुम्हारे स्कूल में था, मैं तो बस तुम्हारा ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड बनना चाहता हूँ। कहीं ये मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं अभय नाम से कोई फेक आईडी बनाकर? मुझे तो लगता है ये पक्का उन्हीं का मजाक होगा, मुझे ऐसे रात रात को परेशान करके आराम से हंस रहे होंगे सारे। मेरे जल्दी सोने से तो शुरू से ही इनको दिक्कत थी, इसीलिए एक नया तरीका ढूंढा है इन्होंने मुझे जगा कर रखने का। पूछ ही लेती हूँ। कहाँ चली गई आप प्रिया जी, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई आप? सच सच बताओ, ये तुम ही हो ना आयशा, या फिर गौरव तुम हो क्या? तुम लोग ही हो सकते हो जो मेरे साथ ऐसा प्रैंक करने वाले, और कोई मुझे ऐसे क्यों ही परेशान करेगा? सच बता आयशा, तू ही है ना? मैं पक्का गुस्सा नहीं करूंगी, बस मुझे बता दे। कौन आयशा, कौन गौरव, ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? वैसे अगर तुम मुझे इन सब मैसों को समझने की गलती कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही रोक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो सचमुच तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये बेवकूफ तो मुझे पागल करके छोड़ेगा, आज के लिए बस बहुत हुआ, कल मैं कॉलेज जाके आयशा और गौरव से कंफर्म करूंगी कि कहीं ये उनका मजाक तो नहीं। अभी के लिए सभी को यहीं छोड़ देती हूँ, इसकी वजह से कहीं सुबह कॉलेज के लिए लेट ना हो जाए मुझे। इसको जो मैसेजेस करने हैं करता रहे, मुझे क्या। कल कॉलेज का पूरा ही दिन बहुत बिजी था, इसलिए उसके दिमाग में दूर दूर तक अभय का जरा भी ख्याल तक नहीं आया। और रात को भी इतने सारे असाइनमेंट्स मिले हुए थे कि उन्हें कंप्लीट करते करते रात के 11 बज गए और प्रिया को आइडिया ही नहीं लगा। आई एम बैक। देखो 11:11 हो रहे हैं और मैं तुमसे बात करने के लिए एक सेकंड भी लेट नहीं हूँ, ऐसा भी कहीं तुम्हें कोई दोस्त मिलेगा क्या? अरे यार, ये फिर से आ गया क्या? मैंने आज ब्रेक के टाइम पे आयशा और गौरव से भी पूछ लिया, लेकिन ये उनका भी किया धरा नहीं है। जब वो नहीं है तो ये कौन है मेरे पीछे पड़ गया? एक बात बताओ, मुझमें कोई कांटे लगे हुए हैं क्या कि तुम मेरे मैसेज ऐसे सीन करके छोड़ देती हो और कोई जवाब तक नहीं देती?
कुछ तो बोलो, अपने बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग सा बता दो, या फिर मुझसे ही कुछ पूछ लो। देखो यार, आज का मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, तो प्लीज आज मुझसे ये सब बातें करके बहस मत करो। मुझ में आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे फालतू के सवालों का रिप्लाई कर पाऊँ। तुम्हें जो मैसेजेस करना है करो, आई डोंट केयर, मैं चली सोने। अरे वेट वेट, बस 5 मिनट के लिए रुक जाओ। ऐसा क्या मूड खराब है तुम्हारा आज? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, या फिर घर में किसी बात को लेकर बहस हो गई है? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है आप मिस प्रिया? तुम कोई नहीं होते हो जिसको मैं अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें बताऊं। अब प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यहाँ मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है अच्छे से, और तुम्हें मेरे दिन के बारे में जानना है? बिल्कुल ही पागल है ये इंसान, क्यों पीछे पड़ा है मेरे, सोने भी नहीं दे रहा है, बार बार मैसेज किए जा रहा है। पता तो है भाई तुम्हें मेरा नाम, मैं अभय, अभय खुराना। देखो मेरी फेसबुक आईडी पर बड़ा बड़ा लिखा है, और अगर तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं है ना, तो ठीक है मैं उसे चेंज करके केतन कर लेता हूँ। केतन यही है ना तुम्हारी लिखी हुई सीरीज की हीरो का नाम, जिस पर सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही हीरोइन से प्यार हो जाता है जो उसे जरा भी भाव नहीं देती। चलो आज से मेरा नाम केतन, तुम मुझे इसी नाम से पुकारना, इसी बहाने तुम्हें साबित भी हो जाएगा कि मैं सचमुच में तुम्हारी सीरीज का हर एपिसोड पढ़ता हूँ और तुम्हारी राइटिंग का कितना बड़ा फैन हूँ। अब तो बात कर लो मुझसे, मैंने तो अपना नाम भी बदल कर तुम्हारी पसंद का कर लिया है। अब ये सब भी छोड़ो और ये बताओ कि आज का तुम्हारा दिन अच्छा क्यों नहीं गया? हाँ, बहुत सारा काम था क्या, बहुत बिजी दिन रहा क्या? ये लड़का तो सच में अपनी पूरी रिसर्च करके मुझसे बात करने के लिए आया है। इसको तो मेरी नॉवल की पूरी स्टोरी और उसके कैरेक्टर के नाम भी रटे हुए हैं। मेरा किसी से अपना आज का दिन शेयर करने का मन तो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी बात करने को कोई भी नहीं है। लेकिन तब भी मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी राह चलते स्ट्रेंजर से दिल की बातें शेयर कर लूंगी। पता नहीं कौन होगा ये, जान पहचान तो छोड़ो, मैंने कभी इसे देखा तक नहीं है। इसने तो कोई फोटो भी नहीं लगाई हुई है अपने फेसबुक पर, तो कैसे ही पहचानूं इसे? फिर से कहां गायब हो गई आप? अच्छा नहीं बताना तो भले ही मत बताइए, अब तो आपने मैसेज भी सीन करने छोड़ दिए, वही पढ़ लीजिए। लिसन, मैं तुम्हें अपने कॉलेज या फिर पर्सनल लाइफ की कोई भी डिटेल्स देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तुम्हारे पास करने को कोई काम धंधा नहीं है क्या? कोई कॉलेज या स्कूल या फिर ऑफिस का कोई काम नहीं होता है क्या तुम्हारा, जो हर रात एग्जैक्ट 11:11 पर मुझे मैसेज करने के लिए मुंह उठाकर आ जाते हो? जाओ अब निकलो यहाँ से, कर दिया सिंह, अब डांट खाकर ही चुप बैठेगा पागल। यार बिल्कुल ही जान खा ली है इसने तो। तुम चाहे जितनी भी मेरी बेइज्जती क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें हर रात ऐसे ही मैसेज करने वाला हूँ जब तक तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेती। काम तो होता है मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन उन सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। अरे भाई ठीक है, कर लेती हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, देखो जाकर चेक कर लो। कर ली, अब छोड़ोगे मेरा पीछा? गो नाउ। अब तो शायद इसके दिल को ठंडक पड़ गई होगी, अब बस खुद भी सोए और मुझे भी सोने दे। तो आखिर अब हम दोस्त बन ही गए, वन साइडेड फ्रेंडशिप ही सही, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता तो बना। आज से केतन और प्रिया दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। डन। सबसे पहले अपने आप को तुम केतन केतन कहना बंद करो, तुम बिल्कुल भी मेरे लिखे हुए कैरेक्टर की तरह नहीं हो। और दूसरी बात, अब मुझे नींद आ रही है, तो फिर अब कल परेशान करना मुझे। बाय, गुड नाइट एंड डोंट मैसेज मी एनी मोर। हाँ अब तो सो ही जाती हूँ।